मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चौपाल संवाद के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे सामने तिरहुत स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी श्री प्रणय कुमार जी है, सर शिक्षक नेता भी हैं। आइए सबसे पहले सर आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई हो। आप जो है अभी इस तैयारी के संबंध में आपने किन किन जिलों का दौरा किया है और क्या आउटपुट आपको आया है उसके संबंध में हम लोग जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आपके शिक्षक चौपाल चैनल को इस दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना देते हैं, साथ ही अपने तिरहुत क्षेत्र के तमाम स्नातक मतदाता भाई बहन और पूरे बिहार के हमारे बिहारवासी भाई बहन को हम इस शक्ति की देवी दुर्गा के पावन पवित्र जो अभी समय चल रहा है पूजा का अर्चना का उसमें हार्दिक शुभकामना देते हुए हम माँ से यह विनती करते हैं कि हमारे सभी लोग खुशहाल रहे। और साथ ही जो आपने सवाल किया कि आप इस क्षेत्र में अभी कैसी आपकी तैयारी चल रही है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कई स्तरों पर चलती है। आपने देखा होगा कि यह पहला ऐसा कैंडिडेट है जो चुनाव क्षेत्र में है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर आप जाइएगा, आप महनार में भी जाइएगा, आप वहाँ सीतामढ़ी बैरगनिया में भी जाइएगा, आप शिवहर के पुरनहिया में भी जाइएगा या मुजफ्फरपुर के साहेबगंज हो, गायघाट हो, ऐसे सुदूर इलाके में भी जाइएगा तो वहाँ पर मेरे जो मित्र हैं वह प्रणय कुमार अपने आप को समझते हैं और समझ के उस क्षेत्र में जो स्नातक हमारे भाई हैं उनके बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे भाई अभी चूँकि वोटर बनने का काम चल रहा है, मतदाता सूची में लोगों का नाम जुड़ रहा है तो नाम जुड़वाने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो हर स्तर पर हम अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप देखते हैं कि मेरे साथ पूरे समूह के लोग लगे हुए हैं और सब लोग अपने अपने जगहों पर प्रचार करते हुए मिल जाएगा। आपको दूसरा कोई आदमी घूमते हुए मिलेगा जो कहेगा जो प्रणय भाई को मदद करना है। तो इस तरह की तैयारी इस बार तिरहुत क्षेत्र में है। हमारे भाई पिछले बार भी हम लड़े थे, 8 में भी लड़े थे और 14 में थोड़ी सी चूक हो गई थी, इसलिए इस बार काफ़ी सतर्कता से आप देख रहे हैं कि हमारे भाई लगे हुए हैं कि किसी तरह का कोर कसर नहीं छूटे और उस पर काम चल रहा है। निश्चित तौर पर तमाम साथियों का जो प्यार मिल रहा है और जो विश्वास बढ़ा है हमारा, और हम अपने साथी को भी हमेशा कहते हैं कि अपने मेहनत के बदौलत एक नया इतिहास बनाना है, आप तमाम साथियों के बदौलत एक नया इतिहास बनाना है। हम तमाम साथियों को हमेशा बोलते भी हैं कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। तो वही विश्वास तिरहुत की जनता से जो स्नातक मतदाता है उससे हमें मिल रहा है और हर जगह यह चर्चा है कि इस बार प्रणय भाई कहीं से कोई चूक नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों के बीच घूमते रहिए। एक एक मतदाता इस बार आपके लिए सजग है क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है इस स्नातक क्षेत्र में, आप छात्र राजनीति से लेके शिक्षक राजनीति तक बिल्कुल अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है। तो निश्चित तौर पर इस विधान परिषद का जो स्नातक सीट है उस पर आपका दावा पक्का बनता है, इसलिए इस बार आपको हम लोग भेजेंगे। तिरहुत क्षेत्र से जो हमारे स्नातक बेरोजगार हैं वो कभी कभी वो आर्थिक तंगी के हिसाब के सामना कर रहे हैं, तो उनके बारे में उसके लिए क्या कुछ आप कीजिएगा, उसके संबंध में आपकी क्या राय है बताएं। देखिए जो अभी भौतिकवादी व्यवस्था है आप देख रहे हैं, महंगाई भी एक तरह से चरम पर है, उस स्थिति में जो हमारे स्नातक भाई हैं जो खास करके गरीब परिवार से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, शहर में रह रहे हैं, किराए का मकान लेके रहते हैं,
तो उनकी घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और पढ़ाई पूरा करने के बाद अगर उनकी नौकरी नहीं कहीं लग रही है तो उस स्थिति में वह परीक्षा देने में भी कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होता है, फॉर्म भरने में भी दिक्कत होता है और कभी कभी तो हमारे साथी इतने तंगी में आ जाते हैं कि कई बार आप देखते हैं कि छात्र जो है आत्महत्या कर लिया। तो ये सब जो समस्या है इसके अस्थाई समाधान के लिए हमने एक एजेंडा बनाया है जो हम पूर्व में भी कई लोगों को बताने का काम किया है, क्षेत्र में हर जगह चर्चा भी है। मैंने एक सवाल खड़ा किया है कि जो हमारे शिक्षित स्नातक हैं आज परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके न रहने की कहीं व्यवस्था है न कहीं उन्हें सोने की व्यवस्था है। खास करके बच्चियां, हम एक दिन आ रहे थे पटना में, क्योंकि हम लोग तो अति सामान्य परिवार से आते हैं, बस की यात्रा कर रहे थे तो एक बच्ची आ रही थी, वो नालंदा से परीक्षा दे के आ रही थी और दवा खा रही थी कहीं, तो हम कहे क्या हुआ तो कही कि अभी परीक्षा दे के आए हैं सर, तो माथा दर्द कर रहा था इतना, परीक्षा में भी नहीं लिख पाए। हम क्यों नहीं लिख पाए तो कहा कि रात भर कहीं रहने की व्यवस्था नहीं थी तो हमको स्टेशन पर रुकना पड़ा, रात में सोए नहीं और बाथरूम जाने की भी स्थिति नहीं थी, इतनी भीड़ थी और परीक्षा का समय छूट रहा था इसलिए हमको जाना पड़ा परीक्षा हॉल में और इसके कारण जो है हम जितना चाहे उतना जितना पढ़े थे वो भी हम नहीं लिख पाए। तो हमको बेहद कष्ट हुआ और हमने उस समय सोचा कि आखिर इसका सवाल जो है जेन्युइन सवाल है कि हम स्नातक के प्रतिनिधित्व तो करना चाहते हैं, हमारे प्रतिनिधि बने हुए हैं, लेकिन जो स्नातक की मूल समस्या है, मूल समस्या आखिर स्नातक के लिए आप क्या करना चाहते हैं, तो उसकी मूल समस्या है कि कहीं भी परीक्षा देने आने जाने की जो सुविधा है, जो हाँ उसके रहने की सुविधा है, उनकी सुरक्षा की सुविधा है, वह सरकारी स्तर पर कैसे हो। तो हमने एक अपने मित्रों से बैठ के एक प्रपोजल तैयार किया अपने मन में, हम लोगों को जो खाका आया तो हम लोग एक विचार रखे हैं कि एक एजेंडा बनाए कि सरकार के माध्यम से जब हम प्रतिनिधि बनेंगे तो इसको लागू कराने का पूरा प्रयास करेंगे और इसको लागू कराएंगे कि कहीं भी परीक्षा देने आने जाने वाले जो हमारे छात्र हैं वो अपना फॉर्म का एडमिट कार्ड दिखाएंगे और उनके रहने की व्यवस्था, कोई भी बड़ा परीक्षा अगर शहर के अंदर हो रहा है तो जो सरकारी महाविद्यालय हैं उसमें कराया जाएगा, उसमें कैंटीन भी लगाया जाएगा। अब सरकार कहेगी कि भाई उसमें इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो हमारे पास जो एजेंडा है उसमें सरकार को कहीं से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप एक छोटा सा कैंटीन लगाइए उस महाविद्यालय में जो हमारे छात्र आएंगे, कम मूल्य पर उनको अच्छा भोजन भी मिल जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ हमारे प्रशासनिक लोग एक दो लोग रहेंगे तो सुरक्षा की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो हमारी जो बच्चियाँ हैं खास करके जो गरीब परिवार की बच्ची है, जो आज सरकार बराबर सरकार का आ भी रहा है कि बच्चियों को आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, आखिर वो आगे आएगी कैसे। तो गांव से निकल के जो बच्ची मुंगेर जा रही है परीक्षा देने, वो सामान्य परिवार से आती है, उसके पास 200-300 रुपया ही उसके माता पिता कहीं से व्यवस्था कर सके हैं, अब वह होटल लेके कैसे वहाँ रहेगी। तो उनके रहने की जब व्यवस्था होगी, समुचित व्यवस्था होगी, तो उनके परिवार के लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, वो कहेंगे ठीक है मुंगेर में है सेंटर है तो क्या हुआ, जाओ मुंगेर में परीक्षा दे के आओ। तो इस स्तर पर उसका सुधार होना। दूसरी एक समस्या है कि हम चाहते हैं कि एक स्नातक कोष हो कि जिसमें हमारे छात्र हैं, हमारे शिक्षित बेरोजगार स्नातक हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन हो कि भाई कितने लोग हमारे यहाँ हैं, उनकी जब आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाएगी कि भाई उनका इलाज नहीं हो रहा, उनकी बीमार हो गए, एकाएक बीमार हो गए, उनके माता पिता की इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसका खर्च उसका वहन कर सके, तो उस स्थिति में अपने स्तर से जो वह कोष है उस कोष का हम लोग प्रयोग करेंगे कि भाई इस कोष से सहायता कोष रहेगा, हम आप लोगों के ही सहयोग से उसको बनाएंगे, हम अपने जो हम लोग का भी बन पड़ेगा उसमें सहयोग करेंगे, एक एक दो दो रुपए के सहयोग से हमारे भाई अगर भविष्य में कुछ अच्छा करते हैं तो हमको लगता है कि प्रतिनिधित्व करने का हमारा जो उद्देश्य है उसी समय पूरा होगा जब हम इस स्नातक की समस्या को दूर करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक स्नातक सहायता कोष बनेगा जिस कोष के माध्यम से अगर हमारे साथी इलाज के बगैर कहीं परेशान हो रहे हैं, कहीं उनको फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, तो छोटी मोटी समस्या के लिए उस स्तर पर हम लोग उसको सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत अच्छा विचार आपका है। चलिए चौपाल संवाद के इस चैनल के माध्यम से हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो जानना चाहते हैं
ये अब तो चूंकि पहले भी खड़ा हुए हैं तो काफ़ी आपके लंबा अनुभव आपको है, तो हम ना जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में सुनने में आ रहा है कि धन बल का भी काफ़ी प्रयोग होता है, बड़े पैमाने पर होता है, ऐसे में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, सुनने में आता है, लेकिन हमारा अपना मानना है कि धन बल का प्रयोग से हमारे साथी कहीं डिगते नहीं हैं, जो पिछले बार हमने बताया भी है। और निश्चित तौर पर यह तिरहुत स्नातक जो क्षेत्र है, यह तिरहुत का क्षेत्र काफ़ी पावन पवित्र क्षेत्र है। आप यहाँ आप देखते हैं माँ सीता की धरती भी यहाँ है, और आप देखे हैं कि क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ आए हैं, वैकुंठ शुक्ला भी हुए हैं, और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी सभी धर्म जाति से यहाँ पर हैं, जिनके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो आपको लगेगा कि देश के इतिहास में इस तिरहुत क्षेत्र का स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर समाज के लोग यहाँ पर संघर्ष किए हैं, तो इतने पावन पवित्र जगह के जो स्नातक हैं वो हमको नहीं लगता है कि धन बल के कान कहीं विचलित होने वाले हैं। और ख़ास करके जो हमारे साथी हैं वो भी काफ़ी सतर्कता से काम कर रहे हैं, और ख़ास करके जो हमारे स्नातक भाई हैं, साथी हैं, शिक्षक हैं, उनको भी हम यह संदेश हमेशा देते हैं कि आपका जो भाई है वह क्षणिक सुख में आपको लाना नहीं चाहता। कभी कभी होता है कि लोगों को लगता है कि कोई अभी आपको तत्काल मदद पहुंचा रहा है तो आपको लगेगा कि वो बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि हम अपने भाइयों को मदद पहुंचाना नहीं चाहते हैं। आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के हम उनको कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते हैं, हम उनको आर्थिक रूप से सबल बनाना चाहते हैं, उनको हम यह लड़ाई देना चाहते हैं, उनको यह मुकाम देना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा संघर्ष करेंगे कि वह खुद आत्मनिर्भर हो और वह दूसरे की सहायता करे, तो निश्चित तौर पर दूसरे की सहायता वो करेंगे। ऐसा तिरहुत का क्षेत्र बनेगा कि यहाँ के एक एक स्नातक इतने सबल होंगे, हर क्षेत्र में सबल होंगे, उसके लिए हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपने देखा भी होगा कि मेरा जो संघर्ष है, छात्र जीवन से ही स्नातकों के बीच हमने रहने का काम किया है। आप जानते हैं ना, मैं कोई बिजनेस करता हूँ ना कोई व्यापार करता हूँ, अपने भाइयों के लिए संघर्ष करता हूँ, यही हमारी पहचान है। इसलिए निश्चित तौर पर इस बार कहीं से धन बल नहीं चलने वाला है, इस बार जनबल ही चलेगा, और एक अति साधारण परिवार का, किसान परिवार का बेटा जो संघर्ष किया है उसको सभी लोग लार प्यार से, दुलार से इस तिरहुत के लोग देख रहे हैं और बोल रहे हैं हर जगह हम जहाँ भी जा रहे हैं कि इस बार प्रणय भाई आपको हम लोग मौका दे रहे हैं। आप हमारे इस चौपाल संवाद चैनल में और अपनी बातों को रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।